ये नंबर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है, और बहुत से एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे 235 की घात 35 है, 4956 की घात कितना है, 299। और देख लीजिए आप, इस टाइप के सवाल बहुत से एग्जाम में आपको सामने आते ही होंगे, और खासकर बैंकिंग एग्जाम में तो बहुत सारे पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, ये ध्यान रखना है सिर्फ 0156 इसकी साइक्लोसिटी 1 होती है, और साइक्लोसिटी अब होती क्या है, अब कुछ बच्चा तो ये भी प्रॉब्लम है, साइक्लोसिटी क्या होती है। अब 2378 इसकी साइक्लोसिटी 4 होती है, और 4 और 9 इसकी साइक्लोसिटी क्या होती है, 2 होती है। देखिए इसका मतलब ये है, ये जो 0156 है ना, ये 1 टाइम्स बाद रिपीट हो जाते हैं, और 2378 है ना, ये 4 टाइम्स बाद रिपीट होते हैं, और 409 2 टाइम्स बाद ही रिपीट हो जाते हैं। कैसे रिपीट हो जाते हैं भाई, अब आपको समझ नहीं आया होगा, मतलब ये पीछे का अंक हमें क्या देखना है, 5, पीछे का इकाई का क्या है, 5, 6 और 0। अब देखिए, अब हमें ध्यान रखना है 0156 किसी भी संख्या के पीछे हो ना, तो सेम का सेम वही चिपका देना है, यहाँ क्या क्या है 5, तो यहाँ हो गया 5, क्यों चिपका देना है ये भी बताऊंगा आपको मैं, ध्यान से देखना। यहाँ 5 लिख दिया मैंने, प्लस यहाँ लिख दिया मैंने 6, और यहाँ लिख दिया मैंने 0, 5 ये रहा 6 और ये रहा 0। पावर का ध्यान रखना ही नहीं है इसको, 235 को 35 बार ऐसे लिखेंगे ना, 235 इंटू 235 इंटू 235, तो जो आंसर आएगा उसके पीछे यही आएगा, ठीक है, उसके पीछे यही आएगा। और 4956 को जब 299 टाइम्स ऐसे लिखेंगे ना, तो वापस पीछे 6 ही आएगा उसके, क्यों आएगा ये भी बताऊंगा आपको मैं, और इसके पीछे 0 ही आएगा। 2340 को जब 9 बार करेंगे ना, 340 इंटू 9, माफ कीजिएगा, 340 इंटू 9 नहीं, 340 को 9 बार करना है, 340 इंटू 340 इंटू 340, और जब 9 बार करेंगे ना, तो अंत में 0 ही आएगा पीछे वाली संख्या। हमें इस टाइप के सवाल में कभी भी ऐसे नहीं पूछा जाता है कि पूरी संख्या, कभी भी नहीं पूछा जाता है इकाई का अंक ज्ञात करो, हमेशा यही पूछा जाता है इकाई का अंक ज्ञात करो, तो आपको ध्यान रखना है इस टाइप से हमेशा यही आएगा। और 5 और 6 11, 11 और 0 11 होता है, तो आंसर हो गया 11। इकाई मैंने पूछा है, सिर्फ एक ही ध्यान रखना है आपको, एक, ठीक है। तो अब सर इसमें क्या होगा, 1 2 3 4, तो आपको एक को राइट कर देना, क्यों हुआ इसका कारण आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, किसी भी संख्या के पीछे 5 हो, मैंने यहाँ लिख दिया 235, देखिए 235 इंटू 235 इंटू 235 कितना ही कर लो, पीछे तो 5 आएगा, ठीक है ना, 5 5 5 25, पीछे क्या रह गया 5, फिर 5 5 25, पीछे क्या रह गया 5, तो आना तो 5 ही है, कैसे कर लो। इसी तरह 1 है, किसी भी संख्या के पीछे अगर 1 हो, तो वापस क्या आना है, 1 ही आना है, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ चलो यहाँ कर दिया मैंने 1 कर दिया, यहाँ कर दिया 1 कर दिया, और यहाँ कर दिया 1 कर दिया। हाँ अब छोटे मोटे एग्जाम में तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ यहाँ दे दिया 2341 491 इंटू 271, आंसर क्या है, तो कुछ बच्चे तो गुणा भाग में लग जाते हैं, जैसे छोटे मोटे एग्जाम होते हैं ना, जो 10+2 लेवल के या 10th लेवल के जो एग्जाम होते हैं, उसमें इस टाइप के सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो वो क्या करने लगते हैं, गुणा करने लग जाते हैं, और उसमें इकाई का अंक या पीछे के 2 अंक पूछे जाते हैं, पीछे के 2 अंक बताइए या इकाई का अंक बताइए, ऐसे पूछे जाते हैं। तो 2 अंक कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा मैं, 1 अंक कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा। अब देखिए, तो 1 अंक निकालना क्या होगा, एक एक को एक से किया, एक एक को एक से किया, ए आंसर होगा, एक ये होगा इकाई का अंक। अब बात है ढाई के अंक की, तो ढाई का अंक कैसे निकालते हैं, 2 को गुणा करना है 2, बस ध्यान रखना, 41 को 91 से गुणा कर लो, 2 तक इस, हम देखो 2 संख्या गुणा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 2 तक ही करना है, गुणा आगे बढ़ाना ही नहीं है हमें, 1 को 1 से किया 1, ठीक है, और 1 को 4 से किया 4, ध्यान रखना 9 को 1 से किया 9, 9 को 4 से करना ही नहीं है, क्यों, हमें 2 तक ही गुणा करना है, करना ही नहीं है, बस आंसर हो गया इसका, ये क्या हो गया दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है, ये हो गया 1 और देखिए 1 और 9 और 4 कितना होता है 13, पीछे जैसे 13 लागत लगाना नहीं है, बस इतना तक ही करना है, 2 तक ही चाहिए हमें, फिर 31 आ गया, अब देखो इसको इससे गुणा किया तो 31 आ गया, इसको वापस करना है 71 से, ठीक है 71 से, तो 31 31 को करना है 71 से गुणा, तो वापस वही
2 इंटू 1 3। अब आगे करना नहीं है हमें, दो तक ही करना है, ध्यान रखना। एक और यहाँ पर क्या हो गया, 7 और 3 10 का 0, तो आंसर क्या होगा इसका, 0 1। बस ये हो गया 0 1। अगर दो पूछे तो 0 1, एक पूछे तो एक, और दो संख्या पूछे पीछे की दो संख्या, तो 0 1। अब आप गुणा करके देख लेना चाहिए, पीछे पीछे के दो अंक यही आएंगे, सेम यही रूल है। अगर 3 अंक पूछे पीछे के, ये 3 अंक, तो 3 से कर देना, और गुणा 3 तक ही करना है। 3 तक करोगे ना तो आपको टाइम कम लगेगा, 3 गुणे 3 तक करना है। तो ये तो हो गया, नेक्स्ट आ गया अब रही इस सवाल की। अब देखिए पहला तो हो गया, अब 2 3 7 8 इसकी साइकिल से टिक दे 4। अब इसका क्या मतलब है, अब ये जो 4 टाइम्स बाद में रिपीट होता है, ये तो इसका हमेशा थोड़ा अलग है, एकदम बोर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। जब भी किसी भी संख्या के पीछे अब इसका आंसर चाहिए हमें, तो किसी भी यहाँ पर जैसे 7 है लास्ट में, यहाँ पर क्या है 7 ही है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ कुछ और, दे देता हूँ मैं यहाँ पर, दे देता हूँ मैं 2 3 7 8 है ना, तो यहाँ मैंने दे दिया 8 दे दिया, ठीक है। अब देखिए अगर 7 है, 7 की साइकिल से ठीक होती है 4, तो उस 4 का भाग देना है किसमें, घात जो होती है ना पावर, उसके लास्ट 2 डिजिट में इस 4 का भाग देना है। क्यों देना है, 7 की साइकिल से ठीक होती है 4, इसलिए देना है अभी। अब देखिए 34 में भाग दिया किसका, 34 में भाग दिया 4 का, तो कितना बार गया, 8 बार गया। अब जो रिमाइंडर बचता है ना, वो लगाना है 7 की घात में। रिमाइंडर कितना बच गया, 4 का भाग दिया 34 पे, तो 32, तो 8 बार गया, पीछे रिमाइंडर है 2, तो वो 2 की घात यहाँ लगा देना है। उसके बाद प्लस उसमें यहाँ क्या है, 8 की साइक्लिसिटी कितना है, 8, 8 की साइक्लिसिटी होती है 4, 4 का भाग देना है 32 में, 4 का 32 में भाग दिया, तो भाग गया पूरा पूरा। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि पूरा पूरा में आपको क्या करना है, ठीक है, ध्यान रखना जब भी पूरा पूरा हो, 8 की घात कितना है, भाग तो पूरा पूरा गया। से यहाँ पर जो हम घात लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, शेष पर लगाते हैं, घात हम क्या लगाते हैं, हम शेष पर लगाते हैं, यहाँ पर कर देना 0, शेष पर कुछ बचा ही नहीं है, तो 0 बचा है तो 0 ही करेंगे। तो ये हो गया, बस इसको जोड़ दो, 7 की घात कितना, 49, 49 पिछले गया 9 प्लस 8 की घात 0। हाँ एक बात और इसमें ध्यान रखना है, 8 की घात 0 क्या होता है, किसी भी संख्या की घात 0 1 होता है। और क्यों होता है ये आपको मैं किसी और दिन बताऊंगा किसी वीडियो में, किसी भी संख्या की घात 0 तो वो संख्या 1 होती है, बस इतना से ध्यान रखना है। कभी कभी इस टाइप में पूछ लिए जाते हैं। इसका आंसर हो गया 9 और 1 10, 10 हो गया, 10 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो पीछे क्या आ गया 0 आ गया, इक्का एक अंक ये हो गया 0। तो आप बस एकदम क्या दिया होगा, 0 1 2 3 4 दिया होगा आपको, वैसे करना है। अब रह गया प्रश्न 3, क्या है प्रश्न 3 में, क्या करना है आपको, 9 और 4 देख लेना, 9 और 4 पीछे के ये है, तो इसकी साइकिल फिटी क्या होती है 2 होती है। अब 2 का भाग देना है, पीछे रिमाइंडर आए वो इसकी, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको क्या करना है, रिमाइंडर मतलब शेष पर, जो भी शेष पर आएगा उसको क्या करना है, पावर लगाना है। तो 2 का इसमें भाग देंगे तो पीछे आपको पता है 1 रहेगा, और इसमें भी पीछे क्या है 11 है, 11 में 2 का भाग देंगे पीछे क्या रहेगा 1 रहेगा, 4 की घात 1, पीछे क्या है इंटू है बीच में इंटू, ठीक है। तो अब ये हो गया, 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइक्लिसिटी होती है 2, साइक्लिसिटी क्या मतलब है, 2 का 2 टाइम्स बाद रिपीट होते हैं, ये मतलब है, 9 इंटू 9 की घात 1 9 ही होता है, 4 की घात 1 4 ही होता है, तो इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। 9 इंटू 4 36, पीछे क्या लगा 6, 6 हो गया इसका आंसर, 36 होता है ना, 9 इंटू 4 36, तो 3 अभी तो इकाई का सही है 6, तो ये हो गया इसका आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, तो ये आप रट लेना एकदम अच्छे से, इतना समझा भी दिया मैंने आपको, और जो अच्छे से याद करना चाहो तो याद कर लेना। जितने भी बड़े बड़े सवाल है इस टाइप में, चाहे कितना ही संख्या हो आगे तक, कितनी ही संख्या हो करके देखना, सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे इसमें, आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा यूनिट डिजिट का।